तेरा बन जाए। कोमल चलो। कहा? दादी से माफी मांगने। माफी? अरे हम काहे माफी मांगे? हम कोनो माफी नहीं मांगने वाले, और वैसे भी हम कोनो गलती थोड़ी ना किए। कोमल देखो, तुम्हें चलकर अभी दादी से माफी मांगनी होगी, और ये सब जो प्रॉब्लम हुई है उसे ठीक करना पड़ेगा। चलो उठो, चलो ना। ये अच्छी बात है यार, गलती करे कोनो और माफी मांगे हम। देखो आदर्श, ये जो तुम्हारे घर वाले कायदा बनाए है ना, ये ना बहुत ज्यादा गलत है। ये घर में हर बार कोनो भी चीज होती है तो सब हम पे ही निशाना साधते हैं, और सब आपस में इसे गुटबाजी करके ना हमको दोषी ठहराते हैं। बाकी ये घर में कोनो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये घर में जौन कुछ भी हुआ उनमें आरुषिया की भी तो गलती थी। अब ताली एक हाथ से तो नहीं बचती ना। और हम तुमको एक और बात बताए, वो जो तुम्हारी बहन है ना आरुषि, वो हर वक्त हमको बस एक को ही ताना कसती रहती कि हम अनपढ़ है, गवार है, बाकी हमको तकलीफ नहीं होती है का? अब वो पढ़ी लिखी है तो उनकी पढ़ाई लिखाई के घमंड में हमारी कोनो इज्जत नहीं है का? और एक तुम तो उनको कुछ कहते ही नहीं, बस सारा रोब हम पर झाड़ते। हम तो तुम्हारी बीबी है ना। बाकी तुम एक को बात समझ लियो के आज के बाद ना हम ही सब नहीं सही, और हम कोनो माफी नहीं मांगने वाले। कम से कम पानी तो पी लीजिए। पीजिए ना। पीजिए ना माँ। तोर किस्मत है, देख तोरे वजह से आज हमका कितना सुख मिल रहा है। कसम से बेटवा से बढ़ के ज्यादा सुख मिल रहा है। अरे देखिए, पहले हम तो जानते नहीं रहे सुख का होता है। जिंदगी भर सूखी रूखी जमीन में सोए के पिटिया में हमारे ढट्ठा पड़ गए, और इतना नरम और मुलायम गद्दा हो तो हमको तो पता नहीं रहा। ऐसा लग रहा है मनु सड़क के सेज पर सोए। लेकिन हमरे लिए नरक है भाई। ये मुलायम बिस्तर में जितना काटा है ना, उतना इंसान के शरीर में रुआ भी नहीं होगा। माई, हमको यहाँ नहीं रहना है माई। हम कल सवेरे ही दोनों यहाँ से अपने गांव वापस चलेंगे माई। हाय दैया, खतु पगला गई है। अरे भांग तो तुरा पी लिए का? देख, हमका खूब अच्छे से याद है तू कितना सोमार बीफा बरती रही है, जिकरे वजह से इतना बड़ा खानदान मिला, ऐसी जिंदगी, इतना रुपया पैसा, और तू यहाँ से जाए के बात कर रही है। जूता चाहे सोने का हो चाहे चमड़े का, मुंह पर पड़ता है तो चोट तो लगता है। यहाँ रहकर हमारे शरीर से लेके हमारे आत्मा तक अपमान का जहर भर गया है, तो बस अब हमसे यहाँ नहीं रहा जाता माई। हाय मोर बुच्चे, तू इतना काहे सोचा थी? देख, औरत जात का जिंदगी में सब कुछ नहीं मिला था, समझ में आवा? तू का तो घमंड करे के चाहिए कि इतने बड़े राजभवन की तू बहुरिया है, समझ में आवा? घमंड नहीं माई। को तो घिन आती है कि हम ऐसे घर की बहुरिया हैं। अब तक हम अपनी जिंदगी यहाँ बहुत ही जलालत से बिताए, हमरी कोनो औकात कोनो इज्जत नहीं है ये घर में। ये घर के लोगों ने
हमको जिंदा गाड़ के मारने की कोशिश की थी। हमारे चार चार बच्चे हमारे पेट में मार दिए थे। हाथ लात जूता चप्पल हमारी पीठ पर ऐसे छपा है जैसे ही निशान अभी के नहीं हमको जन्म से मिले। देख माई, हमको तो ये घर के बारे में अच्छा बताने की कोशिश मत कर। अगर हमारा भला चाहती है ना माई, तो तू हमको वापस हमारे गांव लेके चल। मोर बच्चे तू तू सही कह रही है। ठीक है, चौन भवा तौन भवा, लेकिन एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना, जेकरे पल्ला में भगवान होते ना ओके कोनो कुछ नहीं बिगाड़ सकत है। अब सोचो तुमका इतना मारा पीटा गवा, पर तुम मरी तो नहीं ना, जिंदा हो कि नहीं। एकरा मतलब ई होत है कि भगवान ई चाहत है कि तुम ई महल में राज करो। ये सब राम जी की इच्छा है, समझ में आवा। और दूसर बात बिटिया, ये मर्द की मार और चूल्हा का धुआं दिल में नहीं रखा जाता है। अरे अब अपने आगे की सोचो, तुम्हारा बच्चा होए वाला है और तुम अब ज्यादा सोचा ना करो। तुम्हारी यहाँ माई आ गई है, अब हम देखी थी कि कौन हमारे चिरैया के का बिगाड़ सकत है, समझो। चलो अब ज्यादा कपारे पर जोर ना दो, चलो हम तुम्हार अच्छा सा सर दबाई दे थी। आओ बैठो, जब से बिया भवा लगत है तब से तुम्हारा मालिश वालिश नहीं भाई। चलो ज्यादा सोचो ना, अब तू परेशान ना हो, तो माई आ गई है, सब ठीक कर दी। बाबा खाने को काहे मना करके आ गए? ऐसे खाने को ना नहीं कहते। देख तुम्हारे लिए खाना लेके आए, खा। अरे माम बोले थे ना हमका भूख नहीं ना, काहे ये सब ले आई, हमका नहीं खाना। ऐसे कैसे नहीं खाना? अरे अम्मा है तुम्हारी, याद है जब बचपन में बिना खाए सो जाता था तो जबरदस्ती उठा के मुंह जूठा कराते थे, ऐसे कैसे सोने दे आज छुच्छे पेट, हैं? खा। अकारे, तुमको जरी को ख्याल है हमरे बाबा का? पूरे दिन काम करके बेचारा थक के घर आता है, ये नहीं होता तुमको कि अच्छे से खिला पिला दें? हमेशा बस अपने नशे में चूर। अरे इसके जैसी लापरवाह औरत ना माज तक नहीं देखे हैं, सही कह रहे हैं। अरे पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, ये बात भी आज हमको तुमको समझाना पड़े ना, तो मेहरारू बनना बेकार है। माँ तुम बात काहे नहीं समझ रहे, हमका नहीं खाना, तुम जाओ ना यार, हमका नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं खाना, नहीं खाना नहीं खाना, काहे नहीं खाना है? कहीं तू ये मस्टरनी के कारण तो खाने से ना नहीं बोल रहा है? हमको अच्छे से मालूम है कि कुछो बोल सकती है। तू काहे हमारे बाबा को इतना परेशान करती रहती है? खा, खा तू। अरे नहीं खाना हमका यार। काहे रे खाना काहे फेंक दिया? किसको इतना गुस्सा तेज दिखा रहा है? सभी मस्तरनी के कारण हो रहा है। हमरे बेटा का जिंदगी बर्बाद करके दम लेगी ना तू? अरे नागिन है तू नागिन, हमरे बेटा को धीरे धीरे डस रही है, सब जानते हैं आप।